प्रियो, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आत्मा से चलाए चलना इस श्रृंखला में आप सब लोगों को मैं स्वागत भी करता हूँ। आज की मनन के लिए हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय की 26वां पद में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय की 26वां पद, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। वहाँ पे बताते हैं प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। जो सही रीति से प्रार्थना करना हम नहीं जानते, इसलिए आत्मा हमें सहायता करता है कि प्रभु के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख कैसे प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रियो, आप लोग ऐसा प्रार्थना सुना होगा जो लोग प्रार्थना करते वक्त ऐसा बताते हैं, हे परमेश्वर, हे प्रभु, कल कितने लोग इस जगत से, कितने लोग मर गए, कितने लोग बीमारी से, कुछ दुर्घटनाओं से इस जगत से निकाला गया, लेकिन हम सबों को आपने इस भूमंडल के अंदर बचाया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, इस प्रार्थना जब हम सुनते हैं उनका अर्थ और मतलब ऐसा है, जो कल जितने लोग मर गए हो उनके साथ परमेश्वर का कोई दया करुणा नहीं था, और हम सबों को इस जगत में बाकी बचाया, वो इनका मतलब है उनका दया और करुणा प्रेम हमारे साथ है। प्रियो, इस प्रार्थना जब हम सुनते हैं, देखो परमेश्वर की भेदों को, परमेश्वर की योजनाओं को और उनकी इच्छाओं को बिना समझ करके हम ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रियो, क्योंकि जो भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर की भक्तों का मृत्यु, परमेश्वर की भक्तों का मृत्यु उनके लिए अनमोल है। और जब हम नया नियम में जो पत्रियों में जब आते हैं, हर एक पत्री में जो मृत्यु के बारे में जो लिखा गया है, जो रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसा लिखा है, ये जो शरीर है, जो मेरा देह है, इस देह की छुटकारे के लिए मैं इंतजार करते रहते हैं। और कुरिंदियों की पत्री में भी हम ये देखते हैं, ये जो मेरा मिट्टी का ये डेरा है, इस डेरे का, उस आसादी के लिए, इस डेरे में से मुझे छुटकारा मिलने के लिए मैं एक बाट जोते रहता हूँ। ऐसा तरह तरह की जो प्रभु की वचने हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि एक भक्त के जीवन में मृत्यु का मतलब यह है पलक मारते ही वो प्रभु के साथ होना। जो कुरिंथियों की पत्री में भी हम वही पढ़ते हैं, पलक मारते ही, पलक मारना कितना समय लगता है प्रियो, पलक मारते ही हम प्रभु के साथ होना। और जो पहला यूहन्ना की पत्री में ऐसा लिखा है, हम क्या कुछ होंगे हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जानते हैं, इतना हम विश्वास करते हैं कि जैसा वो है उसका स्वरूप में हम बदलेंगे। प्रियो, इतने सारे आशा की वचने हमारे सामने लिखे हैं, फिर भी आज भी हमारे सामने मृत्यु बताएगा तो ऐसा एक डर, ऐसा एक कौफने वाला अनुभव जैसे बताए, और वही लेकर के हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, एक परिपक्वता की निशानी नहीं है प्रियो। इसलिए आने वाली दिनों में हम ऐसा प्रार्थना करें प्रभु से, हम ऐसा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू मुझे दिन ब दिन मुझे तैयार कर, दिन ब दिन ऐसा एक आशा में तू मुझे बने रहे, ताकि जो कोई दिन तू मुझे बुलाएंगे और एक उत्साह के साथ, एक आशा के साथ मैं तेरा मुंह देखूंगा, मैं अपने आप को तुम्हारे सामने आऊंगा, ऐसा एक प्रार्थना अगर मैं यीशु के साथ करेगा, वही हमारे जीवन की आशीष की बात होगा प्रियो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।